सो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, लेट मी टेक यू थ्रू ह्यूमन राइटर्स लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म वेयर इन ऑल द टॉपिक्स ऑफ पेपर वन आर कवर्ड. टीचिंग एप्टीट्यूड में चलते हैं. सो टीचिंग एप्टीट्यूड में दिस इज चैप्टर वाइज कैटेगराइजेशन एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड अंडर टीचिंग एप्टीट्यूड फॉर पेपर वन. ठीक है, तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में एक सब टॉपिक है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. तो इसमें सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसमें कवर क्या करना है, और आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड पास्ट 15 ईयर के क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे. बट बिफोर दैट लेट अस चेक कि इसमें हमें कवरेज क्या करनी है. ठीक है, कवरेज क्या रहेगी हमारी. तो बेसिकली टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, इट इज अ सिस्टम दैट मेक्स द क्लास इफेक्टिव. ठीक है, विच हेल्प द टीचर टू मेक द टीचिंग इफेक्टिव. ठीक है, तो जो भी गैजेट्स जो भी डिवाइसेस टीचर क्लास में यूज करती है, टूल्स क्लास में यूज होते हैं टू मेक द टीचिंग इफेक्टिव, टू मेक द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग एंड टू रिटेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट इज नथिंग बट दैट फॉल्स इनटू टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. तो मेजरली इसमें टीचिंग एड्स हमें कवर करने हैं. ठीक है, और टीचिंग एड्स में भी हम टीचिंग एड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन थ्री क्लासिफिकेशंस. वन इज योर टाइम पीरियड्स, एंड द सेकंड वन इज सेंस ऑर्गन बेस्ड, एंड थर्ड वन इज इंटर एक्टिविटी. तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मीन्स कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल. कन्वेंशनल हो गए हमारे ट्रेडिशनल जो टूल्स हमारे टीचर्स पुराने यूज करते थे. नॉन कन्वेंशनल हो गए मॉडर्न, जो आजकल आईसीटी बेस्ड हो गए और बहुत टाइप के आईसीटी बेस्ड जो टूल्स यूज कर रहे हैं टीचर्स टू मेक द क्लास इफेक्टिव, दैट इज नॉन कन्वेंशनल. सेंस ऑर्गन बेस्ड मीन्स ऑडिटरी, मतलब कौन कौन सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं टू विजुअलाइज दोज टीचिंग एड्स, दैट इज ऑडिटरी विजुअल, ऑडियो विजुअल दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया. एंड देन एक्टिविटी बेस्ड. इंटर एक्टिविटी में हो गए मीन्स प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड. तो प्रोजेक्टेड हो गए जैसे कि आईसीटी बेस्ड, अगेन प्रोजेक्टेड मीन्स योर दैट इज विच यूजली यूजेस प्रोजेक्टर्स और स्क्रीन्स. ठीक है, लेकिन नॉन प्रोजेक्टेड हो गए बहुत ही सिंपल, जैसे कि जिसमें प्रोजेक्टर्स यूज नहीं होंगे या जिसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं हो रही है, सिंपल है, ग्लोब्स हैं, चार्ट्स हैं, डायग्राम्स हैं, दैट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स. तो इनसे रिलेटेड पास्ट 15 ईयर के क्वेश्चंस को हम गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है विच टीचिंग एड्स एनहांस द स्किल्स लाइक रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा है ऐसे टीचिंग एड्स हैं जो इस तरह के स्किल्स को प्रमोट करते हैं, रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, दैट इज ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स. लुकिंग एट द अदर ऑप्शंस दे डू नॉट दीज काइंड ऑफ स्किल्स. ठीक है ना, साइंटिफिक, जनरल नॉलेज टीचिंग एड्स या थियोरटिकल. सो ओनली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑडियो लिंगुअल टीचिंग एड्स. ठीक है, ओके, सो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम बताया हुआ है. बिलो आर गिवन सर्टेन टीचिंग मीडिया एड्स. नाउ वी हैव टू एनालाइज द टीचिंग एड्स विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द क्लास. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखिए, बहुत ही सिंपल है. अगर छोटी सी क्लास होगी, 2-3 स्टूडेंट्स की क्लास है, सो ओनली पेन एंड पेपर विल मेक द क्लास इफेक्टिव, इट मीन्स राइटिंग ऑन पेपर विल वर्क. मीडियम साइज क्लास होगी 10-15 स्टूडेंट्स की, तो व्हाइट बोर्ड चलेगा या फ्लिप चार्ट चलेगा. सो फ्लिप चार्ट इज नथिंग बट जहां पे जैसे जो फ्लिप कर सकते हैं ना चार्ट्स, और उनके ऊपर कुछ टीचर पढ़ा रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड फ्लिप चार्ट. ठीक है, लार्ज साइज क्लास ऑफ 22-25 स्टूडेंट्स इज जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आपका पावर पॉइंट स्लाइड जो है वो वर्क करेंगी. एक्स्ट्रा साइज मोर देन 30 स्टूडेंट्स के लिए ओरल प्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद डिस्प्ले स्क्रीन होना चाहिए, देन द क्लास वुड बी मेड इफेक्टिव. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसका आंसर रहेगा बी. ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल. तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, इंस्ट्रक्शनल मटीरियल कौन सा नहीं है इनमें से. ठीक है, तो अब आपसे टीचिंग एड नहीं पूछा, इंस्ट्रक्शनल मटीरियल के बारे में पूछा है, नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल. तो प्रिंटेड स्टडी गाइड में डेफिनेटली इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो सकता है कि इंस्ट्रक्शन क्या फॉलो करनी है फॉर टेकिंग द क्लास,
ऑडियो पॉडकास्ट में भी हो सकता है, लर्निंग के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। यूट्यूब वीडियो में हम सब जानते हैं कि काफी लर्निंग मटेरियल होता है, इंस्ट्रक्शन बेस्ड मटेरियल होता है। ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट इज ओवरहेड प्रोजेक्टर। इट मीन्स ओवरहेड प्रोजेक्टर इज नॉट एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इट्स अ टीचिंग एड। ठीक है, ये सपोर्ट करता है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल नहीं है, इसमें से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं निकलती हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा ए। आगे चलते हैं, टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन हमें तब भी आंसर कंपेयर करना है। सिंपल, मोर नॉलेजेबल, क्विकर भी आंसर हो सकते थे, लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसमें से क्या है, इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू अ प्रोजेक्टेड एड। इनमें से कौन सा प्रोजेक्टेड एड नहीं है, इट मीन जो कि प्रोजेक्टर नहीं यूज कर रहा, तो ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं हो सकता इसका आंसर, स्लाइड प्रोजेक्टर भी नहीं हो सकता एज अ नेम इटसेल्फ रिफ्लेक्स प्रोजेक्टर्स। ठीक है, देन वी आर लेफ्ट विथ टू ऑफ द ऑप्शंस, वन इज योर ब्लैक बोर्ड एंड द अदर वन इज एपीडियोस्कोप। तो ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रोजेक्टेड एड नहीं है। ठीक है, एपीडियोस्कोप भी, जो बायोस्कोप अगर आपको याद हो यूज होते थे, वो एपीडियोस्कोप वैसा ही होता। ओके, एंड इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज बेस्ट बाय अ टीचर फॉर, एक टीचर ब्लैक बोर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनको बुलेट पॉइंट्स लिखने होते हैं, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो भी वो पढ़ा रहे होते हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है, दैट हैज टू बी लिस्टेड ऑन द ब्लैक बोर्ड टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टू दोज पॉइंट्स। ठीक है, तो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड इज राइट द इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका सी। Which of the following statements about teaching aids are correct? They help in retaining concepts for longer duration. Yes, they help students learn better. They make teaching learning process interesting. All are correct statements about teaching aids except rote learning. They do not promote rote learning. ठीक है, तो answer रहेगा option B. Next, the use of teaching aids is justified on the ground of, तो चार options पढ़ लेते हैं, attracting students' attentions, minimizing indiscipline problems, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स, अफेक्टिव एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग टास्क। ठीक है, तो हमें ए और डी भी इसके आंसर लग सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, क्योंकि टीचिंग एड्स को यूटिलाइज करने का मेन पर्पस क्या रहता है, वट एवर द लर्निंग आउटकम्स हैव बीन सेट, दे मस्ट बी अचीव टू द फुलेस्ट एक्सटेंट। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्रोजेक्टेड एड, प्रोजेक्टेड एड बताने हैं, तो ब्लैकबोर्ड नहीं है इसका आंसर डेफिनेटली, ग्लोब इसका डेफिनेटली आंसर नहीं है। अगर डायरामा नहीं पता, तो डायरामा बेसिकली इट्स अ 3D मॉडल। ठीक है, तो ये भी हमारा प्रोजेक्टेड एड नहीं है, द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद अस इज एपीडिया स्कोप। ठीक है, टीचिंग एड्स हैव टू बी कंसिडर्ड एज इफेक्टिव सप्लीमेंट टू इंस्ट्रक्शन बिकॉज दे कीप द स्टूडेंट्स इन गुड ह्यूमर। Assertion A करेक्ट है, रीजन को देखते हैं, दे कीप द स्टूडेंट इन गुड ह्यूमर। सी, मेरे अकॉर्डिंग गुड ह्यूमर जो इन्होंने वर्ड लगा दिया है यहां पर, क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए तो आते हैं यूज, लेकिन ह्यूमर जो है ना, दैट रिफ्लेक्ट्स मोर ऑफ फनी साइड। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर assertion A ट्रू होनी चाहिए थी, R फॉल्स होना चाहिए था, लेकिन UGC नेट ने इसका आंसर B दिया है। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग सी की पॉसिबिलिटी मुझे ज्यादा लगती है, बट नेट ने इसकी जो आंसर की निकाली थी उसमें ऑप्शन बी था। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो सी की भी पॉसिबिलिटी इसमें बनती है ज्यादा, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे चलते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज बाय द टीचर टू, इंस्ट्रक्शनल एड्स क्यों यूज किए जाते हैं, ग्लोरीफाई द क्लास, अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स, क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स, एंश्योर डिसिप्लिन। सो ऑल द आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन, द बेस्ट वन इज क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट्स। एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच इज, एक इफेक्टिव टीचिंग एड कौन सा होगा, कलरफुल या गुड लुकिंग, एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज, इज विजिबल टू ऑल स्टूडेंट्स, ईजी टू प्रिपेयर एंड यूज। तो अगर आप देखोगे तो एक्टिवेट्स ऑल फैकल्टीज मीन्स सारी स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को जो एक्टिवेट कर दें, दैट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग एड। ठीक है,
तो इसका आंसर बी रहेगा। कोई भी इफेक्टिव टीचिंग एड है वो एक्टिवेट करता है स्टूडेंट की एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स इन इंडियन हायर एजुकेशन। तो सीक्वेंस बताने की किस किस तरीके से डेवलप हुए हैं। ठीक है, सीक्वेंस में बताना है तो अगर आप देखोगे तो बी ऑप्शन में ओरल, ओरल एक फर्स्ट वर्ड है ओरल और सेकेंड वर्ड है ओरल। ठीक है, ये ओरल है ये ओरल है। तो ओरल जो होता है वो ईयर रिलेटेड होता है और ओरल जो होता है वो माउथ रिलेटेड होता है। ओरल मीन्स हियरिंग और ओरल मीन्स स्पीकिंग। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज योर विजुअल। तो विजुअल मीन्स विच इज रिलेटेड टू आई। तो सबसे पहले ओरल और ओरल आए, देन विजुअल आए, देन इन दोनों का फ्यूजन आया ऑडियो विजुअल, एंड फोर्थ वन इज योर आईसीटी बेस्ड। तो इनका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्लेंडेड लर्निंग। अगर हमें नहीं भी पता, हमने वर्ड नहीं पढ़ा, तो ब्लेंडेड का कॉमन लेमन लैंग्वेज में क्या मीनिंग होता है, विच इज अ मिक्सचर ऑफ समथिंग। तो अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन को। इट इन्वॉल्व टू टीचर्स, तो ये नहीं होगा। इट इन्वॉल्व ऑनलाइन इंट्रैक्शन ओनली, तो ऑनलाइन इंट्रैक्शन ओनली लगा दिया, तो ये भी नहीं हो सकता। ब्लेंडिंग कैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है फिर, नहीं ना। सो इट कंबाइंस, अब देखो वर्ड से ही पता चल रहा है, इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ फेस टू फेस एंड ऑनलाइन और आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग लर्निंग। तो ये मोस्ट लाइकली यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन भी पढ़ के देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व ओल्डर स्टूडेंट्स टीचिंग यंगर स्टूडेंट, तो ये तो कहीं पे भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट assertion और reasoning दे रखी है। teaching support system whether traditional or modern is properly put in place for affecting economy and ensuring quality in teaching learning transactions because learning outcomes in order to be congruent with stipulated instructional goals needs scaffolds to begin with। तो इसका answer है A, both A and R are correct and R is the correct explanation of A। तो सिंपल सी लैंग्वेज दी हुई है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कैसा भी हो, ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, तो उसका मकसद क्या है, इकोनॉमी और क्वालिटी इंश्योर करना इन दी टीचिंग लर्निंग इंस्ट्रक्शंस। क्यों? क्योंकि जितने भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं दे नीड स्कैफोल्ड्स टू बिगिन विद। स्कैफोल्ड्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी तो सपोर्ट ही दे रहे हैं ना लर्निंग आउटकम्स को। सो दैट इज वाई आर ट्रूली सपोर्ट्स ए हियर। सो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, A diagram speaks more than 1000 words. The statement means that the teacher should. अब इसमें से कौन सी रिफ्लेक्ट होती है स्टेटमेंट? A diagram speaks more than 1000 words. तो एक पिक्चर जो है वो अपने आप में ही बहुत कुछ बोल देती है। इसका हिंदी में मतलब ये भी निकल सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा कि क्या टीचिंग एड्स यूज करने चाहिए या स्पीक्स मोर एंड मोर इन द क्लास या यूज डायग्राम्स इन टीचिंग या नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास। नॉट स्पीक नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। तो इन बिटवीन अगर आपको ए और सी में कंफ्यूजन, तो टीचिंग एड्स की यहां पर इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। ठीक है, सो यूजिंग टीचिंग एड्स इन द क्लास, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स दिस पॉइंट। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ ह्यूमन राइटर्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।